तो फाइनली हमने अपनी कैलगरी से जैस्पर की ड्राइव शुरू करी। एंड बिफोर यू सी एनीथिंग लेट मी टेल यू, ये दुनिया की सबसे खूबसूरत ड्राइव्स में से एक है और इसीलिए हमने कोई भी ड्राइविंग शॉट टाइम लैप्स में शूट नहीं करा ताकि आप सभी इस ड्राइव को एंजॉय कर पाएं एट इट्स नेचुरल पेस। और हाँ, क्योंकि मैं पूरा टाइम ड्राइव कर रहा था तो इसलिए ये सारे ड्राइविंग शॉट्स तनु ने खुद शूट किए हैं। तो अगर आपको लगा कि हम इस ड्राइव को थोड़ा सा भी जस्टिस दे पाए हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, इट विल डेफिनेटली मोटिवेट हर। सो गाइस, हमने अपना पहला स्टॉप ओवर ले लिया है एंड दिस प्लेस इज कॉल्ड लैक दे आर्क, LAC लैक दे DE आर्क। इट्स जस्ट अ लुकआउट पॉइंट। या इट्स जस्ट अ लुकआउट पॉइंट, छोटी सी लेक है यहाँ पे। सो बस हमने सोचा कि बीच में एक स्टॉप ओवर लेते हैं। रिवर में ही बनी है, जो बो रिवर कैलगरी में आती है उसके ऊपर ब्रिज बना हुआ है जिसके अक्रॉस, उसी का एक पार्ट है ये लेक। राइट, तो अभी वो देखते हैं। बगैर उस वो देखने से पहले आप आस पास का व्यू देखो। और यहाँ पे ना काफ़ी सारे लोगों ने, मतलब इस वाले जगह पे कैंपिंग ग्राउंड भी बना हुआ है। तो अभी हमने देखा था काफ़ी सारे लोगों ने ना अपनी, जैसे वो नहीं होते ट्रेलर्स जो होते हैं या फिर जो पिकअप ट्रक्स वगैरह होते हैं वो सब लेके आए हैं अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों और कैंप्स लगा रखे हैं, पूरा बॉनफायर और अपना पिकनिक वगैरह कर रहे हैं लेक साइड पर। क्या गजब व्यू है। सो गाइस, हम अपने दूसरे स्टॉप ओवर पे आ गए हैं। ये है जो है ये प्रॉपर बैम्फ जो टाउन है ना, ये वो है। यहाँ पे हम सिर्फ बेसिकली कॉफ़ी के लिए और थोड़ा सा गैस भरवानी है गाड़ी में, उसके लिए रुके हैं। बट अभी तक की जो ड्राइव थी ना, डेढ़ घंटा पता ही नहीं लगा, डेढ़ से ज़्यादा हो गया मेरे ख्याल, मुझे नहीं, हाँ डेढ़ हो गया होगा। लेकिन इतना ज़बरदस्त ड्राइव थी ना, आई डोंट नो इफ वी वर एबल टू गिव फुल जस्टिस अपने शूट में आप लोगों को जितना दिखा होगा, बट हमने अपनी पूरी कोशिश करी एंड आई होप कि आपको भी वो ड्राइव बहुत अच्छी लगी होगी। क्योंकि पर्सनली, मतलब जब आप खुद ड्राइव कर रहे हो ना, इट्स सीरीन, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त है यार, बहुत ही अच्छा है, स्पेशली फॉर पीपल हु लव ड्राइविंग। सीरियसली, अगर आप इस रोड पे नहीं आए तो फिर आपने क्या ड्राइविंग। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मुझे ड्राइविंग नहीं आती है, लेकिन मैं बता रही हूँ पीपल हु लाइक ड्राइविंग, तो उनके लिए तो ये इस रोड पे ड्राइव करना इट्स अ ड्रीम हाईवे। मतलब बहुत ज़बरदस्त है, बहुत, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो ड्राइव है ना, ड्राइव ही अपने आप में एक वो है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, मतलब वही अपने आप में एक ऐसी चीज़ है जो एक्सप्लोर करने वाली है। बहुत सही। चलो अब अपना कॉफ़ी वॉफ़ी लेते हैं और इसके आगे अभी और 3 घंटे की ड्राइव है, 3 या 3.5 घंटे की जैस्पर की, तो हम वहाँ जाना है। अभी मॉर्निंग के मेरे ख्याल 10:30 ऑलरेडी हो चुके हैं, सो वी आर टारगेटिंग कि एटलीस्ट 2 बजे के आसपास तक पहुँच जाएँ, फिर वहाँ पे एक ट्रैकिंग वगैरह करके फिर होटल में चेक इन करेंगे। सो चलते हैं।
सो गाइस अभी तक की ड्राइव ही इतनी अमेजिंग रही है, इतनी ब्यूटीफुल है कि इसी पर्पस के लिए आ जाओ कनाडा घूमने के लिए। सीरियसली मतलब ये एक ऐसी चीज है कि एक्सपीरियंस करने वाली चीज है ये, मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन, इतना सही है ना। मतलब आप सिर्फ इस हाईवे पे ड्राइव करने के लिए ही आप एक बार कनाडा आ जाओ, आ जाओ। गाइस अभी हमने यहाँ पे एक लुकआउट पॉइंट बना हुआ है हाईवे के बीच में, हम जैस्पर जा रहे हैं और इतना सही व्यू है ना, तो हम यहाँ पे रुक गए हैं, व्यू देखो आप। और हमने किसी को बताया नहीं लेकिन आज निशांत का बर्थडे है। निशांत हैप्पी बर्थडे। अब ये एक और लुकआउट पॉइंट है, यहाँ पे भी रुक गए हम। ड्राइव 3.5 घंटे की है लेकिन इतने सुंदर सुंदर लुकआउट पॉइंट्स हैं ना बीच बीच में कि आपकी ड्राइव ऑलमोस्ट 3.5 की जो है ना वो आप लगा 1 घंटा एक्स्ट्रा लगा लो आप, क्योंकि इतना सुंदर है ना, आप पीछे व्यू देखो। ज़्यादातर लोग ना मतलब बैम्फ तक आते हैं या फिर लेक लुई तक आते हैं, जैस्पर आते नहीं है क्योंकि ड्राइव थोड़ी और लंबी है, मगर आई वुड से डेफिनेटली आना चाहिए क्योंकि जो बैम्फ से जो और जैस्पर तक की जो और ड्राइव है ना वो और भी ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर लुकआउट पॉइंट्स हैं, मतलब ये ड्राइव और भी ज़्यादा सीनिक है। सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि सिर्फ अगर आप आ रहे हो तो सिर्फ बैम्फ और लेक लुई तक मत आओ, आगे जैस्पर तक की ड्राइव भी ज़रूर करो, बहुत सही है। ये इतना बढ़िया लुकआउट पॉइंट है ना, बट आप गेस करो हम यहाँ पे क्यों रुके हैं, बताऊँ? अभी दिखाता हूँ, इसलिए वॉशरूम। इतनी देर से ड्राइव कर रहे हैं, बनता है जाना तो बनता है, बट बहुत सही लुकआउट पॉइंट है यहाँ पे। अभी भी आप देख रहे हो गर्मियों में भी पहाड़ों पे पूरी बर्फ़ जमी हुई है, इधर भी जैस्पर तो हम आ चुके हैं लेकिन हम थोड़ा सा और आगे जा रहे हैं क्योंकि हमने एक ट्रेल डिसाइड की हुई है जो हम हाइकिंग के लिए सुबह वहाँ तक जा रहे हैं, फिर एक अच्छी सी हाइक करते हैं, फिर उसके बाद वापस इसी रास्ते से हमारा बस जहाँ पर हमने बुकिंग कराई हुई है होटल में, होटल नहीं है लॉज है, फिर वापस आएंगे। तो अभी पहले हाइक पे चलते हैं, बस पहुँचने वाले हैं आगे से अगले 5 मिनट में। हम पहुँच गए गाइस, सो इस ट्रेल का नाम है मेलिन कैनियन ट्रेल। सो यहाँ पे थोड़ी सी हाइकिंग करते हैं, हाँ यहाँ पे लुकआउट पॉइंट भी बना हुआ है। और हाइकिंग सुना है मतलब बहुत डिफिकल्ट वाली हाइकिंग नहीं है, मतलब बहुत इजी है, मतलब बच्चे भी कर सकते हैं शायद। यहाँ जाना हमने, इधर लिखा हुआ ना ये मेलिन कैनियन, इधर को तो यहाँ पे जाना है। असली ट्रेल तो अब शुरू हुई है, जो पहले हम दिखा रहे थे वो तो सिर्फ रास्ता था इस ट्रेल तक आने के लिए। सो ये ना रिवर के साथ साथ चल रही है जो ट्रेल है हाइकिंग, सो इसमें अलग अलग ब्रिजेस बने हुए हैं, जैसे अभी पहला ब्रिज आया है वो वाला। पानी के फोर्स से
पहाड़ कट कट के इतनी डीप कैनियन बन चुकी है। डिफ़िकल्ट हाइक नहीं है ये, मतलब बड़ों के हिसाब से तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बट हाँ थोड़ा स्लोप ज़्यादा है। मैं कह रहा था ना यहाँ पे ब्रिजेस बने हुए हैं अलग अलग, क्योंकि ये रिवर मतलब पानी जो बह रहा है उसको क्रॉस करने के लिए, सब दूसरा ब्रिज आ गया है। ऐसे यहाँ पे टोटल मेरे ख्याल 5 या फिर शायद 8 ब्रिज हैं, तो मतलब ये ट्रेल जो है काफ़ी लंबी है। हम पूरे 8 ब्रिज तो कवर नहीं करेंगे, बट प्रॉबेबली ये हमारा लास्ट होगा या फिर एक ब्रिज और कवर कर लेंगे। सो ये है, इट्स ट्रू, यू कैन फील दैट कूल मिस्ट। जब हमने शुरू करी थी ना ट्रेल, वहाँ से लेके अभी तक में आई गेस टेम्परेचर में 3 या 4 डिग्री का ड्रॉप हो चुका है। यहाँ पर ठंड लग रही है थोड़ी। ओ लुक एट दिस, कंटिन्यूइंग विद आर हाइक। प्लान ये था कि हम सिर्फ 2 ब्रिज कवर करेंगे, बट हम ऑलरेडी 3 कवर कर चुके हैं और रुकने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। एंड वी आर प्लानिंग कि 4th या शायद 5th ब्रिज भी कवर कर लें। लेट्स सी, इट्स ब्यूटीफुल, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड मेलन कैनियन ट्रेल। इफ़ यू आर हेयर इन जैस्पर, डेफिनेटली डू इट। We are on the 4th bridge and इसका व्यू बहुत यूनिक है, बाकी उसे काफ़ी अच्छा है। Time to head back and check in our hotel. Not अभी नहीं, अभी वहाँ पे जो रेस्टोरेंट था ना वहाँ पर चलते हैं, थोड़ा खाना खा लेते हैं। 5 ब्रिज तो नहीं कवर कर पाए हम, 4 ब्रिज के बाद वापस आ गए। हाँ, 5th ब्रिज बहुत ज़्यादा दूर था, तो 4 ब्रिज तक कंफर्टेबल है। अब वापस चलते हैं, थोड़ा खाते हैं, एंड देन विल हेड बैक टू आर लॉज और वहाँ चेक इन करते हैं और आराम करते हैं। टाइमिंग्स हाँ, यहाँ पे ना थोड़ा अलग है। जैसे इंडिया में चेक इन अराउंड 1 बजे के आसपास होता है, यहाँ पे चेक इन होता है 4 बजे शाम को और चेकआउट मॉर्निंग। हाँ, और मगर चेकआउट आपको करना है सुबह 10 बजे या 11 बजे। वापस आते टाइम हम अलग रास्ते से जा रहे हैं, जब हम आ रहे थे तो हम वो वाले रास्ते से जा रहे थे, लेकिन यहाँ से जो व्यू है वो बहुत ही सुंदर है। सामने माउंटेन के पीक है, और ये और भी ज्यादा एडवेंचरस लग रहा है। किसने कहा था ये ट्रेल इजी है, थक गए। सो गाइस, प्लान में थोड़ा सा चेंज है, हम ये इस रेस्टोरेंट में खाना नहीं खा रहे। द रीजन इज बहुत ज्यादा थक गए हैं, अब मन कर रहा है सीधा अपने लॉज में जाके चेक इन करते हैं, थोड़ा आराम करते हैं और लॉज के रेस्टोरेंट में खाना खा लेंगे। बिकॉज मैं भी सुबह, मेरे ख्याल हम 8:30 बजे निकले थे, तब से मैं ड्राइव कर रहा हूँ और अभी शाम के कितने हो गए, 5:30, अच्छा 5 बज गए हैं, और मैं सिर्फ ड्राइव ही कर रहा हूँ, और उसके बाद फिर हम ये पूरी हाइकिंग कर रहे थे पूरा ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे की, तो बिल्कुल थक चुका हूँ मैं। मज़ा तो बहुत आया लेकिन उतना रेस्ट भी करने का मन कर रहा है। बिल्कुल रेस्ट भी करना है, बिकॉज जैस्पर का आज का दिन है हमारा, और कल हमने बैम्फ के लिए रखा है, तो वापस मॉर्निंग में
मॉर्निंग, मतलब अर्ली मॉर्निंग तो नहीं, बट हाँ आराम से थोड़ा ड्राइव करके वापस बैंक भी जाना है। सो आई थिंक इट वुड बी बेटर कि हम थोड़ा सा रेस्ट ले लें। सो अभी लॉज में चलते हैं और वहीं पे खाना खाते हैं। Welcome to our cute and cozy lodge room. Well, I can feel that things are getting hot. I want to give you everything I've got. Oh, so let's go. I'll show you heaven and we can watch the world from above. So unlike a hotel, yahan par sirf rooms nahi hai, लेकिन छोटे छोटे क्यूट से कॉटेजेस बने हुए हैं और उसके राइट नेक्स्ट आप अपनी गाड़ी पार्क करते हो एंड एक अच्छी वेकेशन स्पेंड करते हो। बट और भी कुछ है, चलिए यहाँ देखते हैं। इस लॉज की खासियत यह है कि यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर एक कैंप फायर भी होती है शाम को, और कभी कभी डिपेंडिंग ऑन व्हाट्स इन द स्केड्यूल यहाँ पे बच्चों के लिए कैंप फायर होता है। वहाँ पे वो मार्शमेलोज खाते हैं पिट में हीट करके। हम भी एक्सपीरियंस करते हैं, लेट्स सी कैसा होता है। बट लेट्स चेक आउट द व्यू फर्स्ट। और व्यू देखो आप यहाँ से, इतना अमेजिंग व्यू है रिवर का। तो ये जो व्यू है ना, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न कि हमने ये लॉज चूज़ किया। इसका नाम है टिकारा लॉज। सो ये जो भी लेक है, रिवर है, जो भी कह लो, ये इसके फ्रंट पे बना हुआ है। सो इसमें व्यू बहुत अमेजिंग आता है। और जो जैसे ये बता रही थी तनु कि इस लेक व्यू के सामने ना, अगर आप वहाँ देखो, वहाँ पे बॉनफायर अभी शुरू होने वाली है। कुछ कुछ लोग अभी बैठना शुरू हो चुके हैं ऑलरेडी। सो यहाँ पे ना ग्रुप्स में, अराउंड 20-25 के ग्रुप्स में लोग बैठते हैं, बॉनफायर करते हैं, साथ में स्मोर्स खाते हैं। स्मोर्स मतलब मार्शमेलो को जो बॉनफायर में ऐसे बारबेक्यू टाइप कर देते हैं। सो वो होता है, सो मज़ा आता है। तो वो हम एक्सपीरियंस करते हैं आज सब लोगों के साथ बैठ के। सो शी वॉज वर्किंग विद टिकारा लॉज, एंड क्योंकि हमने कभी ऐसे मार्शमेलोज रोस्ट नहीं किए थे, सो शी वॉज टीचिंग अस की टेक्निक क्या होती है और करते कैसे हैं। एंड अभी एज यू कैन सी, तनु डिड अ प्रिटी गुड जॉब। आई वुड से लिटरली अ बर्निंग जॉब। नाउ इट्स माय टर्न, मैं प्रैक्टिस करता हूँ। पर मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि मुझे ढंग से समझ में आ गया है, टेक्निक मुझे समझ में आ गई है। लेकिन कुछ ही देर में मुझे अपना कॉन्फिडेंस भी धुएं में उड़ता हुआ दिखा। बट हमने हार नहीं मानी और फाइनली कुछ कर दिखाया। How was the experience? मज़ा आ गया और पता लगा कि मार्शमेलोज रोस्ट करना भी, बारबेक्यू करना भी अपने आप में एक आर्ट है, क्योंकि हमसे एक भी ढंग से नहीं हुआ। फाइनल जो चौथा किया था वो थोड़ा बहुत हम उसको गोल्डन कर पाए। That's it. It didn't get brown, it didn't get properly roasted, but it was still very nice. Crackers के बीच में सैंडविच करके बढ़िया था। Nice desert. और ओवरऑल मतलब सिर्फ डेजर्ट की बात नहीं है, वो जो पूरा एक्सपीरियंस था ना वहाँ पे, और भी लोग बैठे बैठे हुए थे, एक फैमिली बैठी हुई थी, people were talking right, सब बात कर रहे थे। हाँ, वाइल्ड लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, कनाडा की अलग अलग सिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। सो एक ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है ना वो बहुत अच्छा था। एंड सारे आई गेस कैनेडियन ही थे वो शायद, है ना? हाँ, एक फैमिली थी वो न्यू ब्रंसविक से थी, एक लेडी थी शी वॉज फ्रॉम नॉर्थ बे ओंटेरियो। सो उन सब से मतलब बात करके ना अच्छा लगा, इट वॉज़ नाइस।
सो गाइस आज का व्लॉग अब यहीं ख़त्म करते हैं, रात हो गई है अब मतलब वैसे रोशनी से नहीं लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पे सनसेट बहुत लेट होते हैं, बट हाँ हमने खाना वाना भी खा लिया, रात भी हो गई है, 8:30 हो चुके हैं और आपको मेरी आंखों में नींद पता लग रही होगी शायद, आई डोंट नो, बट पूरा एकदम थका हुआ हूँ बुरी तरह। सब सोएंगे और कल हमारा प्लान है ठंड में बैंफ जाने का, राइट सो वो हम अपने अगले व्लॉग में कवर करेंगे, बट आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं एंड आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, जितना भी हम कवर कर पाए आपको सब अच्छा लगा हो, और अगर लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।